यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करें एक बेहतरीन शेयर के बारे में, बेहतरीन मल्टीबैगर शेयर और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है पीछे भी इस इन्वेस्टर को और आने वाले समय में भी यह बेहतरीन रिटर्न देगा अपने इन्वेस्टर को। जैसा इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, अगर देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट पे जाएं तो देखिए प्लंबिंग पाइप्स और फिटिंग में कंपनी है, इंसोलेशन ट्यूब बनाती है, इंडस्ट्रियल पाइप और फिटिंग बनाती है, देखिए यहाँ पर स्वीवेज ड्रेजेज पाइप और फिटिंग बनाती है, फायर से रिलेटेड पाइप बनाती है, एंसिलरी प्रोडक्ट भी बनाती है कंपनी, वाटर टैंक बनाती है, केबल प्रोटेक्शन बनाती है, एग्रीकल्चर पाइप बनाती है, सरफेस ड्रेगन्स पाइप सिस्टम, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई और कंपनी सेक्टर की लीडर है। और दोस्तों इस कंपनी का मात्र अभी 25 साल हुए हैं, 25 साल में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। 1996 में कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था और अभी तक भी देख सकते हैं काफी बेहतरीन रिटर्न ये स्टॉक दिया है और आने वाले समय में भी देगा। इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड है और कंपनी सेक्टर की लीडर है। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट कंपनी मार्केट में लेकर आती है और यहाँ पर प्रोडक्ट पर आप जाकर के कंपनी के बारे में डिटेल में प्रोडक्ट के बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो कंपनी का वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। अब बात करें कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, तो कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड है और कंपनी एस्ट्रल पॉलिटेक्निक इसका कंप्लीट नाम है। तो यहाँ पर मार्केट कैप देख लीजिए 41,000 करोड़ का है और करेंट प्राइस 2,000 रुपीज का है और 52 वीक लो की बात करें 686 रुपीज है। तो यहाँ से स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त एक साल में भी रिटर्न दिया है और जब भी गिरावट मिले आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी गिरावट की संभावना बहुत ही कम है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.04% का डिविडेंड यील्ड है, तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक में आपको डिविडेंड यील्ड खास करके काफ़ी कम ही देखने मिलेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.8%, काफ़ी बेहतरीन है। फेस वैल्यू 1, प्रमोटर्स होल्डिंग 55.7%, प्लीज परसेंटेज बिल्कुल 0, डेट इक्विटी बिल्कुल 0 है, ये 0.03 जो कि निगलिजिबल है, मात्र 53 करोड़ का डेट है। और वही कंपनी जो नेट एनुअल प्रॉफिट है 404 करोड़ का, तो यहाँ पर डेट देखिए काफ़ी बहुत ही मामूली डेट है जिसे कंपनी कभी भी रिमूव कर सकती है। अगर रिजर्व की बात करें 1,876 करोड़ का, तो थोड़ा सा रिजर्व कम है। अगर कंपनी के एनालिसिस पर चलते हैं तो कंपनी में यहाँ देख सकते हैं जो प्रोज है, कंपनी डेट को रिड्यूस किया है, डेट लगभग फ्री है कंपनी। कंपनी जो है गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है 32% CAGR का और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, लगभग 21% का पिछले 10 सालों में कंसिस्टेंट रूप से 21% CAGR से सेल्स ग्रोथ हुआ है। और यहाँ पर कौन सी बात करें तो बुक वैल्यू से 21 times पे अच्छे स्टॉक आपको महंगे प्राइस पे ही मिलेंगे, तो आपको अगर बाय करना है इस स्टॉक को तो महंगे प्राइस पे ही बाय करना पड़ेगा। और इसके अगर पीयर्स की देखें तो पीयर्स भी इसके काफ़ी ज़बरदस्त है, देखिए सुप्रीम इंडस्ट्री ये भी काफ़ी बेहतरीन है, फिनलेक्स इंडस्ट्री ये भी काफ़ी बेहतरीन है, प्रिंस पाइप ये भी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इन 3 स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप सेक्टर लीडर के साथ रहना नहीं चाहते हैं तो। अब बात करें कंपनी के जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो यहाँ पर सेल्स देखिए तो 281 करोड़ का सेल्स था 2010 में जो कि लगातार इंक्रीज हुआ और अभी 3,176 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स में काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 28 करोड़ का था 2010 में मात्र, जो कि बढ़ के हो गया 404 करोड़ का, यहाँ पर ज़बरदस्त प्रॉफिट में भी इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का 15% से 20% हुआ है, तब जाकर के यहाँ पर प्रॉफिट में इतना ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने मिल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी का तो जो सेल्स ग्रोथ कंपाउंड है 10 ईयर्स में 23, प्रॉफिट ग्रोथ है 29%, प्राइस का जो ग्रोथ देखिए CAGR 56% का, तो इतना ज़बरदस्त प्राइस ग्रोथ देखने मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 10 ईयर्स का काफ़ी बेहतरीन है 20%, हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस स्टॉक के साथ अगले 10 से 20 सालों तक भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं अगर ये कंपनी परफॉर्म करती रही तो। इतना सॉलिड ये स्टॉक है तो आप इसके साथ जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, काफ़ी बेहतरीन रहेगा। अब बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कंपनी के पास है 20 करोड़ का, रिजर्व जो कंपनी के पास 2010 में था 106 करोड़ का, देखिए लगातार कंपनी अपने रिजर्व को इंक्रीज किया और अभी 1,876 करोड़ का हो चुका है। वहीं डेट की बात करें तो कंपनी का जो डेट है 53 करोड़ का है, तो कंपनी का जो डेट है वो देख सकते हैं लगातार यहां पर रिड्यूस किया है पिछले 1 से 2 सालों में।
तो कंपनी इस पैरामीटर्स पे भी काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी का बैलेंस शीट भी काफ़ी ज़बरदस्त है, कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी काफ़ी ज़बरदस्त है और कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी ज़बरदस्त है। कैश फ्लो की बात करें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो है देखिए लगातार पॉजिटिव रहा है, मतलब कंपनी अपने बिजनेस से लगातार कैश फ्लो जनरेट किया है। और वहीं नेट कैश फ्लो की बात करें तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव और निगेटिव रहा है, लेकिन ओवरऑल जो हम बिजनेस एक्टिविटी से कैश फ्लो देखते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहा है। अगर बात करें रेशियोज का तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगातार कंपनी ग्रो किया है, अभी 30% जो कि मैक्सिमम है। डेबिटर्स डेज की बात करें तो डेबिटर्स डेज भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है, देखिए 88 डेज से 32 पे आ चुका है, तो डेबिटर्स डेज में काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर सुधार देखने मिला है। इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें 3.89 का इन्वेंट्री टर्नओवर है, मतलब सेल्स का जो इफिशियंसी है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अब बात करें यहाँ पर जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है इसमें 55% है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है 2019 से डिक्रीज होता हुआ दिखा है, लेकिन अभी भी 50% से एबव है, तो कुछ खास दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रमोटर्स होल्डिंग लगभग 3% से डिक्रीज हुआ है, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं, इस पर ध्यान रख सकते हैं। लगातार FIs का स्टेक 22.75 है, तो FIs का स्टेक भी अच्छा खासा है। DIs का स्टेक भी 8% का है, अच्छा खासा। पब्लिक का स्टेक 13.49 का है, तो देखिए पब्लिक का स्टेक भी अच्छा खासा है। तो ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बात करें कंपनी के शेयर प्राइस का चार्ट का, तो ये स्टॉक काफ़ी कम वोलेटाइल रहा है, देखिए हमेशा चार्ट जो है वो ग्रोथ मोड में रहा है, तो हमेशा शेयर प्राइस में आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने मिलेगा, थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिला है। देखिए यहाँ पर शेयर प्राइस जो है मात्र यहाँ पर 5 रुपीज़ से 10 रुपीज़ का हुआ करता था 2010 में, और यहाँ से कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाया 285 रुपीज़ तक, और यहाँ से स्टॉक जो है 2014 से लेकर के 60 तक लगभग 2 ईयर्स के लिए यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेशन के बाद फिर से यहाँ पर 2017 से प्राइस में ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से देखने मिला, और ये 2020 में जो हाई बनाया लगभग 960 रुपीज़ का, और फिर यहाँ से जो पैंडमिक है उसमें गिरावट देखने मिला, और 960 से गिर करके 550 रुपीज़ तक ये स्टॉक में गिरावट देखने मिला, तो कुछ यहाँ पर एक बड़ा गिरावट था। अदरवाइज इस स्टॉक में कभी कुछ खास गिरावट देखने मिला, सिर्फ यहाँ पर देखते हैं टाइम वाइज करेक्शन हुआ था 14 से 16 में, और यहाँ पर थोड़ा सा पैंडमिक कारण गिरावट देखने मिला, और यहाँ से ज़बरदस्त कम बैक किया कंपनी ने, और 550 से ये लगभग 2130 रुपीज़ का हाई लगा चुका है, तो अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इस स्टॉक में वोलेटिलिटी काफ़ी कम रहता है, तो जब भी गिरावट मिलता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उस पर नज़र रखिएगा, जिस तरह से अभी कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ग्रो हो रहा है उसी तरह से अगर होता रहा तो निश्चित रूप से ये हमें एक लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न देगा। तो ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये स्टॉक किसी भी गिरावट में बाय है, जब भी गिरावट होता है जिस प्राइस पे भी आता है आप SIP करते रहिए हर गिरावट पे, लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आपको प्राप्त होगा इस स्टॉक में। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।